नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 51 ईयर्स मेल का। इनके काफ़ी सारे सवाल है, सवाल नहीं इश्यूज़ है बहुत सारे, तो पहले एक बार देख लेते हैं उसको, उसके बाद हम लोग पाम के एनालिसिस के लिए जाएंगे। तो इनकी पहली तो हेल्थ में इश्यूज़ है उनकी काफ़ी सारी। इनकी बचपन से स्टोमक में पेन है और ये अभी 51 ईयर्स एज है और अभी भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा इनके कुछ स्किन में प्रॉब्लम है, थायराइड है, डायबिटीज़ है और बहुत सारे कुछ है इनके हेल्थ में इशू। तो हेल्थ जो इनकी इशू है वो मेजर इशू है इनकी पाम में, वो दिख भी रही है। हम लोग जब एनालिसिस करेंगे हम लोग देखेंगे कि इतना मेजर इशू क्यों हो रही है इनके हेल्थ में। और इनकी फिनंशियली भी थोड़ी ये प्रॉब्लम में है, ये पाम में एकदम पता ही चल रही है, बहुत ही मोटी मोटी लाइन है। हम लोग एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे। तो इनकी फिनंशियल इशूज़ है। इनकी सवाल तो एक है हेल्थ के बारे में, हेल्थ कैसे ठीक होगा कि नहीं या फिर कैसे रहेगा। दूसरी इनकी फिनंस से जुड़ी हुई है कि आगे फिनंस कैसी रहेगी। और ये कुछ सवाल पूछे हैं, क्या ये बिज़नेस कर सकते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं या फिर केमिस्ट का दुकान खोल सकते हैं या फिर कोई और कोई शॉप वगैरह खोल सकते हैं जिनसे इनकी आगे चल के फिनंस की कंडीशन ठीक हो जाए। तो चलिए इन पाम की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर शेप पाम है, रेक्टेंगुलर शेप पाम होते हुए थोड़ी सख्त पाम है ये, ना नरम रेक्टेंगुलर शेप वाली पाम नहीं है ये, थोड़ी हार्ड और रेक्टेंगुलर शेप पाम में है। तो हार्ड पाम हो तो ये समझिए कि ये लोग मेहनती होते हैं। मतलब अगर आपकी पाम सख्त हो तो थोड़ी बहुत फिजिकल मेहनत ही आपको जचता है, मेंटल वर्क ज़्यादा नहीं जचती है। अगर आपकी पाम सॉफ्ट हो, नरम हो, तो जितना सॉफ्ट और नरम होगा उतना आप मेंटली होंगे, और जितना हार्ड और सख्त होगा, ये स्किन देख के ही लग रही है कि ये सख्त है, तो वो लोग ज़्यादा फिजिकल होते हैं। लेकिन ये पाम रेक्टेंगुलर शेप होने के वजह से क्या होगा कि ये फुल्ली ये इनकम नहीं कर पाएगा, जैसे कि एक स्क्वायर पाम होता और ये सख्त स्किन वगैरह हार्ड होता इनके पाम, तो जो मेहनत का रिजल्ट इनको मिलता है रेक्टेंगुलर शेप पाम होने की वजह से, वो अगर फिजिकल मेहनत भी ज़्यादा करेंगे तो भी इनको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनको ऐसे काम करना चाहिए जिस काम में कॉम्बिनेशन हो, माइंड का भी कम्बिनेशन हो, जहाँ पर मेंटल वर्क की भी ज़रूरत हो, थोड़ी बैठ के भी किया जा सकता है, उसके साथ साथ फिजिकल काम भी, फिजिकल वर्क भी करना पड़े, जहाँ पर मेहनत भी लगे, ऐसे अगर कम्बिनेशन की काम हो तो इनके लिए वो बढ़िया रहेगी। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे ऐसा क्या काम रहते हैं जिसको ये बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इनकी ना पाम की पिक्चर इन्होंने बहुत सारी भेजी है, लेकिन सारे इनकी जो लाइन की बनावट है इसके वजह से ना ये लाइन क्लियर नहीं पिक्चर में आ रही है और ना ही आएगी, क्योंकि ये ऐसी ही लाइन है इनके ओरिजिनल। अगर आप पाम देखेंगे तो ऐसी धुंधला ही लाइन आपको दिखेगा इनके ओरिजिनल पाम में। बहुत सारे पाम ऐसे देखा जाता है जिन लोगों के जो लाइन होते हैं वो धुंधले ही होते हैं। तो इसी में हम लोगों को निकालना है क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनके अगर फिंगर्स को देखें तो ये छोटी फिंगर है ना, क्रॉक है, बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है। यहाँ पर देखिए ये सामने की तरफ एकदम झुकी हुई मुड़ी हुई है, ये क्रॉप फिंगर, ऐसी क्रॉप फिंगर होते हैं जैसे कि एक साइड में ऐसे, मैं कहता हूँ कि अगर छोटी उंगली इस तरह से कौन थर्ड फिलिंग जो होती है वो अगर कि ऐसे टेढ़ा हो तो उसे क्रॉप कहते हैं। ये सामने भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, जिस तरह वे चाहे हो सकती है, साइड में भी हो सकती है, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है साइड में, वैसे ये सामने को भी ऐसे झुक सकती है, पीछे को भी ऐसे झुक सकती है। तो ये क्रॉप फिंगर है, क्रॉप फिंगर ज़्यादातर लोगों को स्पेशलिस्ट बनाते हैं किसी एक काम में, ये किसी भी एक काम में स्पेशलिस्ट जरूर होंगे, लेकिन आपके पोजीशन के कारण उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। लेकिन ये कि कोई ना कोई एक काम ज़रूर जानते हैं जो ये बढ़िया तरीके से कर पाते हैं और उनमें वो स्पेशलिस्ट है। तो ये रही इनकी फिंगर्स की बात। थंब पे आए तो थंब का जो लॉजिक पावर, लॉजिक है, वो थोड़ी ज़्यादा है व्हील से, थोड़ी ही, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इतनी थोड़ी में ज़्यादा कुछ फ़र्क हमें नहीं मिलेगा, ये इनका लॉजिक और विल में थोड़ी बैलेंस रहेगी। मतलब ये लॉजिक के साथ भी बात कर सकते हैं दूसरों के साथ, लोगों के साथ, और काम करने में भी इनकी जो विल के साथ जो लोग काम करते हैं, ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं, उस हिसाब से ये काम भी कर पाएंगे। तो पाम की तरह इनकी थंब भी वही दिखा रहा है कि इनको दोनों ही काम बराबर तरीके से करना है। थंब एक बहुत ही अच्छा साइन बना हुआ है, ये दो पैरेलल लाइन थंब की, अगर इस जॉइंट पे, इस फैलेंज पे अगर दो पैरेलल लाइन हो उसे बढ़िया इंडिकेशन माना जाता है फिनांस के मामले में। मतलब ऐसे दो अगर पैरेलल लाइन हो और दोनों किसी भी एंगल पे
एक दूसरे को टच ना करे और सीधी इस तरफ से उस तरफ काटे, तो ये लोग फिनांस में बहुत अच्छी कर पाते हैं। लेकिन इनकी अभी फिनांस ठीक नहीं है, पहले भी ठीक नहीं थी, वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो आगे चल के ये दर्शाता है कि इनकी फिनांस कभी ना कभी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी रहेगी। ये अगर लाइन हो तो इनको फिनांस अच्छी रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। क्यों नहीं हुई वो भी हम लोग देखेंगे। इनके अगर माउंट वगैरह देखें तो ऊपर का माउंट का जगह इनको बहुत ज़्यादा मिला, तो ये एक और एक इंडिकेशन हमें मिली कि ये अमीर इंसान के पाम दिख रही है हमें। क्योंकि ऊपर का माउंट का जगह अगर ज़्यादा मिले तो कैसे भी हो, किसी भी तरह का हाथ हो, पाम हो, वो पैसे किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी लाइफ टाइम में ये कमा ही लेते हैं। मतलब बढ़िया तरीके से पैसे ये कमा ही पाते हैं, कभी ना कभी ये ज़रूर कमाएंगे। पहले भी शायद एक दो बार हो सकता है कि कमा चुके हैं, लेकिन ये आगे भी ये ज़रूर कमा पाएंगे। क्योंकि इनकी जो मेन सवाल है ये हेल्थ और फिनांस से जुड़ी हुई है, तो इनकी अगर सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन फिनांस की ओर है तो ये फिनांस को भी इनको हेल्प करेगा और ये आगे चल के फिनांस में भी अच्छी तरह से ज़रूर कर पाएंगे। इंडिविजुअल माउंट देखें तो मरकरी माउंट ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खड़ी लाइन वगैरह नहीं है और ना ही कोई मरकरी लाइन है। तो इनमें एनालिटिकल पावर की थोड़ी लिमिटेड होगी, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पावर इनमें नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पावर ना होने के कारण एस्ट्रोलॉजी सीखना आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी और एनालिसिस करना भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्योर मैथ से जुड़ी हुई होती है और मैथमेटिक्स को अगर सीखना है तो थोड़ी मरकरी में प्लस पॉजिटिव साइन वगैरह रहना चाहिए। तो उसको क्या कर सकते हैं आप, सीख के उसे एनालिसिस करके उसको प्रेजेंट भी बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। लेकिन उस हिसाब से देखें तो आपसे बहुत ज़्यादा फाइन एनालिसिस नहीं हो पाएगी एस्ट्रोलॉजी का। सन माउंट देखें ठीक ठाक है, एक खड़ी लाइन है और ऐसे पाम में ये खड़ी लाइन बहुत ही अच्छी काम करेगी। क्योंकि ये पाम जो है हार्ड है, सख्त है, इनका जो स्किन है ये सख्त है। यहाँ पे कोई भी हल्की सी लाइन बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देती है और ऐसे पाम में अगर सन की लाइन हो तो बहुत ही बढ़िया देती है रिज़ल्ट। लेकिन ये शुरू हो रही है लेट एज में करीब करीब इसके यहाँ से शुरू हो रही है हार्ट लाइन से, तो करीब करीब ये 50 के बाद ही ये माइंड ये जो सन लाइन है ये शुरू हो रही है। तो 50 इनकी अभी एज 51 ईयर्स है जे, तो ये अभी ऑलरेडी सन के लाइन में आ गए हैं। तो अब से क्या करे होगी, ये सन लाइन आपको फिनांस के बारे में भी हेल्प करेगी और आपकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में उसे भी बढ़ाएगी। तो ये आपकी बड़ी बढ़िया ऑप्शन रही इस एज में आके। सैटर्न माउंट देखें तो यहाँ पे एक आधी सी शुक्रबला दिख रही है हमें और यहाँ से थोड़ी पार्ट है, तो ये और यहाँ से भी थोड़ी पार्ट है, तो ये करीब करीब आधी शुक्रबला है जो आपको फिनांस में जाके आगे चल के हेल्प करेगी। और जो जब भी ज़िंदगी में कभी भी आप पैसे कमाएं तो ये जान लीजिए कि इस शुक्रबला का भी उसमें हाथ रहता है। मतलब ये शुक्रबला भी उसमें मदद करती है आपको पैसे इनकम करने में। ये अलग से आपको कोई रिज़ल्ट या अलग से कोई इम्पैक्ट नहीं देगा कि आप उसे अलग से बता पाए कि ये शुक्र बलय से बन रहा है या हो रहा है, नहीं वैसा नहीं होगा। लेकिन ये इम्पैक्ट आपको ज़रूर डालेगी फिनांस के मामले में, फिनांस को इनकम करने के मामले में। सैटर्न के माउंट पे देखें मेन फेथ लाइन लाइफ लाइन से उठ के यहाँ तक आ रही है, दबी होनी चाहिए वैसी दबी है और ज़्यादा कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिल रही है यहाँ से। तो ये जो सन की माउंट है वो ठीक ठाक है। लेकिन ये जो अगर हम लोग फेथ लाइन देखें लाइफ लाइन से उठने वाली, तो देखिए एक तो हल्का ही है, पूरा ही हल्का है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है और मोटा है। और दूसरी लाइफ लाइन से उठा है, लाइफ लाइन से उठने वाली तो कंफर्ट जोन के बारे में हम लोग बाद में बताएंगे क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। लेकिन ये जो फेथ लाइन उठ रही है ये देखिए इतना दूर तक जितना मैंने ड्रॉ किया ये पूरा ही हेजी है और बहुत ही ज़्यादा मोटा है। ऐसे है ये लाइन, इतना ज़्यादा जगह से ये चल रहा है पूरा पूरा लाइन। अगर आप लोग अभी ये देखें तो देखिएगा इम्प्रेशन शेडो के साथ साथ ये इतना चौड़ा लाइन चल रहा था ये, और ये पूरा ही लाइन है। तो ये अगर इतना चौड़ा शेडो के साथ चले तो वो लाइन कभी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। लाइन आगे भी मोटी है लेकिन 50 के बाद शेडो नहीं है, 50 के बाद कोई शेडो नहीं है। लाइन मोटी है लेकिन ठीक ठाक चल रही है विदाउट शेडो। अगर शेडो के साथ अब साथ बिना अगर शेडो के बिना अगर लाइन चले तो इम्पैक्ट डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो 50 के बाद हमें और एक इंडिकेशन मिला आपकी फेथ लाइन से कि हाँ आप भी आपकी टाइम ठीक आ रही है। जुपिटर में आए, जुपिटर में देखेंगे तो जुपिटर में एक
बहुत ही बड़ी सनमन रिंग है। इतनी बड़ी सनमन रिंग होने के वजह से ही आपको जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप शो कर रहे हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, ये जो आपका जो इंटरेस्ट है ये इसी इंडिकेशन से आया है, यही सनमन रिंग से आया है। ये लंबी सी सनमन रिंग अगर पाम में हो तो ये लोग धार्मिक बनते हैं और धर्म के, और ये जो साइंस वगैरह मिस्टिक साइंस है ये सारे पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी ये और भी जो जो ये इसके शाखा पोशाखा है बहुत सारे सब्जेक्ट के, तो वो सारे चीज़ों में आपके किसी ना एक में बहुत इंटरेस्ट आती है और उनमें आप पढ़ाई भी ज़रूर करते हैं। तो आप इस सलमान रिंग के ज़रिए ही आप अगर एनालिसिस मतलब सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी तो सीखना सीख जरूर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा एनालिसिस के फ़ायदा नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके मार्करी माउंट जो है थोड़ी वीक है। अभी आपकी मार्स माउंट देखें तो बढ़िया है, मार्स माउंट बहुत ही बढ़िया मार्स माउंट है, राहु लाइन की कटाव है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये मार्स माउंट बढ़िया है, डिफेंसिव मार्स भी इसके साथ साथ अच्छी है। तो अगर दो मार्स अगर पावरफुल हो और ठीक हो तो ये लोग सेल्स के मार्केटिंग में काम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, जमीन जायदाद के काम अच्छी तरह से कर पाते हैं, मतलब जो फील्ड वर्क होती है उसमें आप कर सकते हैं, डिफेंस लाइन में कर सकते हैं, तो पुलिस वगैरह में जो जॉब ढूंढना चाहते हैं जो जो सारे लोगों उन लोगों का अगर ऐसे मार्स बना हुआ है, इतने डेवलप मार्स हो तो उसको मिल जाएगा। मिलिट्री वगैरह में ये जॉब देने के लिए सक्सेस देने के लिए अच्छे रहते हैं। रियल एस्टेट के काम अगर आप करना चाहते हैं, ज़मीन से ज़्यादा से एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई काम काज करना चाहते हैं, तो ये सारे ये उसकी दरवाज़ा खोलते हैं और उस बिज़नेस में आपको सक्सेस देने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह का अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। अभी आपकी वेनस माउंट देखें तो ये थोड़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, एकदम वीक भी नहीं है लेकिन ज़्यादा पावरफुल नहीं है। यहाँ पे खड़ी लाइन की हमें दिख नहीं रही है, हल्की है होगी तो हड़क पाम में रहती है लेकिन वो इनएक्टिव है आपके पाम में। इतने सारे खड़ी लाइन सभी के पाम में होते हैं लेकिन किसी के हाथ में एक्टिव होती है, किसी की इनएक्टिव होती है। आपके पास इनएक्टिव लाइन है जो हमें दिख नहीं रही है पिक्चर में, तो वो इनएक्टिव है। इम्प्रेशन ज़रूर है, आप हाथ में देखिएगा आपका इम्प्रेशन है कि लाइन है तो उसका इम्प्रेशन आपको समझ में आ रही है, लेकिन ये दिख नहीं रही है, इसलिए दिख नहीं रही है क्योंकि ये इनएक्टिव है, आपको रिजल्ट नहीं दे रही है। इधर आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, या फिर जो काम कर रहे हैं वो जिसमें आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, जो काम आप अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं, जहाँ से आपको रिजल्ट मिलने का चांसेस नहीं है वैसे काम कर रहे हैं, उसके वजह से ये लाइन नहीं आ रही है। ये लाइन ना आने का मतलब है आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो पानी में जा रहा है और उसमें आपको कोई भी रिटर्न नहीं आ रही है। आप मुझे बाद में लिख दीजिएगा, मैं अपने दर्शकोंगण को भी ये व्हाट्सअप में जो यूट्यूब में कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर मैं भेज दूँगा कि ये मेरा जो प्रेडिक्शन रहा ये ठीक है या गलत। ये ज़रूर ठीक होगा, ये आप लिख दीजिए बाद में तो मैं अपने दर्शकगण को दिखाऊंगा ज़रूर। तो आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि आप राइट जगह पे राइट जो ठीक ठाक का जो मेहनत करना चाहिए वो आपको नहीं, आपसे नहीं हो रही है। इतनी सारी लग्जरी लाइन वो भी मोटी मोटी, ये दर्शाता है कि आप बेकार में बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे पैसे का, जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और लाइफ अगर इतनी लग्जरियस शो करते हैं तो ये कंक्लूसिव आते हैं, ये मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ कि आप हर एक काम करना चाहते हैं वैसे काम जहाँ पे आपको आराम मिले, जो ज़्यादा आपको मेहनत ना कराए वैसे काम आप ढूंढना चाहते हैं। यही काम करने की कोशिश के चक्कर में इतने सारे लग्जरी लाइन आपके पाम में आ चुके हैं, जो रियल लग्जरी तो कुछ नहीं दे रहा है आपको, शायद आप मुझे क्लियर कीजिएगा, ये रियल लग्जरी नहीं दे पाएगी आपको, लेकिन वो क्या करेगी आपको लग्जरी के आप ढूंढने जाएंगे, जो भी काम आपको मिलेगा या जो भी काम करने के लिए मौका मिलेगा आप वहाँ पे लग्जरी ढूंढने लगेंगे, ज़्यादा तकलीफ भरी ज़्यादा थकावट वाली काम आप नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए ये लग्जरी लाइन है। ये आपके लिए एकदम ही नेगेटिव साइन है, मैं शायद अच्छी तरह से समझा पाया हूँ आप लोगों को कि ये लाइन इस पाम में बहुत ही नेगेटिव है, इसलिए क्योंकि ये इंसान जब भी काम करना चाहेगा ये लग्जरी लाइन उनको ये एहसास कराएगा कि ये जो काम तुम करने जा रहे हो कि कहीं इसमें तुम ज़्यादा थक तो नहीं जाओगे। अगर वो थकावट भरी काम हो तो इनके अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ ये काम में बहुत ही तकलीफ़ है,
मैं नहीं करता हूँ ये काम। इसी तरह से ये लाइन इनके लिए नेगेटिव है, यही काम करेगी इनके लिए और ये कर भी रही है। ये मुझे बाद में कंफर्म करे तो मैं आप लोग सभी को दिखाऊंगा ज़रूर। मून माउंट देखें, ट्रेवल लाइन है और मून माउंट ठीक ठाक है, अच्छी है। मून माउंट अगर अच्छी हो आपके पास, और एक मैंने जो लाइन देखी है कि देखिए यहाँ से तो ये जो ना लाइन मार्ज हो रही है और ये एक मार्करी लाइन जैसी चल के ऐसे कर्व हो रही है। मून माउंट में अगर कोई भी लाइन कर्व हो, इनकी लाइफ लाइन से जुड़ी हुई हो और कर्व हो के ऐसे चले, बिना ऐसे चलने के बजाय अगर ऐसे कर्व हो के चले, तो श्योर साइन है ये कि इन लोगों में इंट्यूशन पावर रहती है। ये भी एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इंट्यूशन लाइन ज़रूर है इनके पाम में। ये जो लाइन दिख रही है ये थोड़ी बहुत इंट्यूशन पावर वाली लाइन ज़रूर है। आप इसे अगर गौर से देखेंगे तो इजीली आप इस लाइन में से और मरकरी लाइन में से डिफरेंस पाएंगे कि ये लाइन ऐसे चल रही है ना ही ऐसे। तो ये जो मुड़ाव घुमाव, ये जो आखिर का घुमाव है, ये जो राउंडेड शेप है यहाँ का, यही दर्शाता है कि इनमें इंट्यूशन पावर ज़रूर है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम करना चाहते हैं तो सीखने का आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इंट्यूशन पावर से ही उन लोगों का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। कोई भी अगर आए तो आप साइकोलॉजी देख के ही, इंसान का चेहरा देख के ही आप उनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा डेवलप होगा, आप चेहरे देख के ही प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं कि लोग आए और आप उनका साइकोलॉजी पढ़ के उनका जो तकलीफ वगैरह होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को हम साधु संत को देखते हैं जो आपके चेहरे देख के ही बोल देते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, वो भी होते हैं ग्रेट इंट्यूशन के वजह से। उन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन पावर रहती है, वो मैक्सिमम ही वो उन लोगों का बाई बॉन नहीं होते जो साधना करते हैं, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनसे उनको आती है। तो अगर आपको भी ऐसी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी थोड़ी बहुत इंट्यूशन पावर की हेल्प मिलेगी लोगों को प्रेडिक्शन करने में, और वो सही भी होगा और ये भी आप ठीक तरह से प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि आगे चल के उनका क्या होने वाला है। तो ये भी आपका थोड़ा बहुत सही पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, तो ये इंट्यूशन लाइन और ज़्यादा पावरफुल होगी। तो इस जैसे आप काम कर सकते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलने का चांसेस है। तो ये रही आपकी ओवरऑल पाम। अभी चलते हैं इस पाम में और क्या क्या है। पहले तो हार्ट लाइन, हार्ट लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, जुपिटर के बहुत अंदर तक नहीं गई, जुपिटर के तरफ अंदर तक बहुत ज़्यादा ना गई और सैटर्न और जुपिटर के बीच में ही आके ख़त्म हो गई जहाँ पे ये क्रॉस हो रही है। तो ये दर्शाता है कि आपसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर पाएगा, कोई भी अगर चाहे कि आपसे फ़ायदा उठा ले तो नहीं कर पाएगा, ना ही आप दूसरों से कहीं कुछ अनचाहे फ़ायदा लेते हैं, ना ही दूसरों को अपने कुछ फ़ायदा लेने देते हैं। इस तरह के इंसान हैं आप, ये अच्छी कंडीशन होती है हार्ट लाइन की कि ना ही आप किसी के साथ गलत करें, ना ही किसी को आप अपने साथ गलत करने दें। ये बहुत ही बढ़िया मेंटालिटी होती है और ये अच्छी साइन है। लेकिन इस अच्छी साइन के साथ साथ अगर हम देखें तो एक और दो ऐसे लाइन आके माइंड लाइन में मिल रही है आपकी हार्ट लाइन से। ये क्लियरली इंडिकेशन करती है, जुपिटर माउंट अच्छी है, जुपिटर माउंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्लियर इंडिकेशन करती है कि किसी न किसी रिलेटिव के साथ आपकी अनबन ज़रूर रहेगी। ये रिलेशनशिप की इशू की लाइन है और दो लाइन है तो थोड़ी बहुत तो इशू रहेगी, और एक लाइन है पीछे में। तो रिलेशनशिप में किसी न किसी दो तीन रिलेटिव के साथ आपकी ज़रूर इशू रहेगी, वो आपकी बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकती है, भाई बहन कोई भी हो सकती है, लेकिन ऐसे कुछ रिलेटिव ज़रूर रहेंगे जिनके साथ क्या आपके रिलेशनशिप में इशू रहेंगे। ये रही आपकी हार्ट लाइन। अगर आपकी माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन की हालत लाइफ लाइन से जुड़ के आई और ये सीधी ड्रॉप हो गई। सीधी ड्रॉप होने वाली माइंड लाइन अच्छी नहीं माने जाते, क्योंकि आप किसी काम करते करते आपको छोटी सी भी फेल्योर मिल जाएगा, छोटी सी भी अगर फेल्योर जैसा आपको महसूस हो कि मैं फेल कर रहा हूँ, तो आप अचानक से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये कौन बना, ये अगर कौन बनाए जैसे आपके थोड़ी सी बना रही है, ये फिनंशियल लॉस भी देती है ज़िंदगी में। दो तीन बार आपको बहुत ज़्यादा फिनंशियल लॉस भी होगा, हुआ भी होगा शायद, अभी 51 ईयर्स है आपकी, तो दो तीन बार तो एक दो बार ज़रूर आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा बहुत सारे फिनंशियल लॉस का। एक तो वो देती है और दूसरी आपको थोड़ी सी भी अगर आपकी लाइफ में
थोड़ी सी भी अगर आपको ये लगे कि ये मेरा जो काम कर रहा हूँ उसमें शायद मैं फेल हो सकता हूँ या फेल होने के चांसेस दिख रही है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये और एक प्रॉब्लम है, ये आपकी माइंड लाइन से प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम आपकी जो है आपकी लाइफ लाइन, आपकी लाइफ लाइन बचपन से ही शुरू हो रही है हल्की और मोटी और ये चल रही है लाइफ लॉन्ग। ये दर्शाती है कि बचपन से ही आपकी जो लाइफ की ऊर्जा है, जो एनर्जी है, लाइफ से जो एनर्जी, लाइफ लाइन से जो एनर्जी आती है हमें रेजिस्टेंस के मामले में, रोगों को रेजिस्टेंस करने में जो इम्यूनिटी पावर होती है हम लोगों की, वो ज़्यादा नहीं हो पाती है। जो काम हम करते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा एनर्जी से नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम लाइफ लाइन से आती है और इसके वजह से ही रोग भोग जो होती है वो हमारी ज़िंदगी में आने लगती है। तो आपका भी बचपन से ही आप बीमार हैं पेट के प्रॉब्लम से और ऊपर से अभी जाके बहुत सारी और बीमारियाँ आ गई है। लेकिन ये एक अच्छी पॉइंट है कि आपके लाइफ लाइन से जुड़ी एक लंबी सी मार्स की लाइन है जो अंत तक जा रही है आपकी लाइफ लाइन के साथ। तो ये आपके अंत तक आपकी हेल्प करेगी। क्या हेल्प करेगी? आपको बीमारी तो रहेगी क्योंकि लाइफ लाइन मोटी है और हल्की है, लेकिन ये जो है ये सपोर्ट देगी आपको हर एक मोड़ पे जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा संकटपूर्ण कंडीशन में आ जाएगी, जहाँ पे आपको राह ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हो रही होगी, तभी एक राह निकल जाएगी आपकी और आप उस मुसीबत से बाहर आ पाएंगे। किसी भी तरह का हो, फिनेंशियली हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो, ये लाइन आपके लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है और एकदम आखिर तक चला है। तो ज़िंदगी भर तक आपको इस लाइन का साथ मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए, आज आप बहुत ही जल्द उससे उभर भी जाते हैं। तो ये कभी भी आपकी जो डिजीज़ वगैरह है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो पाएगी, ये आपको लाइफ की गारंटी देती है और ये आगे भी चल रही है। तो अगर किसी का मार्स लाइन लंबी हो तो मैं सिर्फ उसी इंसान के लिए मैं एज प्रेडिक्ट कर पाता हूँ और दूसरे किसी के नहीं। चाहे लाइफ लाइन खुद कितने भी पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, अगर मार्स लाइन का साथ नहीं हो तो कोई गारंटी नहीं होती है कि आप कब जिए कब मरे। लेकिन हाँ, अगर मार्स लाइन का सपोर्ट हो तो जितनी भी ख़राब आपकी लाइफ लाइन हो, जितनी भी डिफ़िकल्टी रहे लाइफ लाइन में, जितनी भी डिफेक्ट रहे, चाहे कुछ भी रहे, आप ज़िंदगी तो बहुत लंबी जी पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लंबी मार्स लाइन ऑलवेज आपको सपोर्ट करता रहेगा बाहर से। अभी चलते हैं और कुछ साइन आपके पाम में है उसके बारे में। आपकी अगर हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन यहाँ से यहाँ आई और इधर से एक लाइन यहाँ चली गई। ये क्या दर्शाती है? हार्ट लाइन से आने वाली एक रेखा जो बुध माउंट में चली गई है, ये दर्शाती है आप बहुत ही कानिंग पर्सन हैं, जिसे क्लेवर कहते हैं, चालाक कहते हैं, आप उस किस्म के बुद्धिमान हैं। तो यही कहता है कि आप बहुत कानिंग पर्सन हैं, आप अपना बुद्धि का जो इस्तेमाल हो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे अपने फ़ायदे के लिए, ये इंडिकेशन करती है। हार्ट लाइन से भी एक ब्रांच आके चल रही है सन माउंट पे। ये क्या कहती है? आप दिल से चाहते हैं कि आपका बहुत लोग रेस्पेक्ट करें, आप रेस्पेक्ट के भूखे हैं, ये दर्शाता है ये लाइन। ये जो लाइन दर्शाता है इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। ये सिर्फ यही इंडिकेशन नहीं करती है कि आपके चाह क्या है, उस चाह को पाने की भी राह ये लाइन भी दिखाएगी। तो आपको ये सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलेगा और अपने हितों को आप रक्षा करने के लिए आप बुद्धि का जो इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सही हो गलत हो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उससे आपको फ़ायदा भी हो पाएगा। ये सारे ये लाइन इंडिकेशन करती है। अभी चलते हैं, आपका जो मेन सवाल है कि आपकी हेल्थ क्या होगी और आपकी जो बिजनेस वगैरह आपने पूछा है उसका एक बार जवाब लेंगे। तो देखिए, आपकी हेल्थ अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन टोटली डिफेक्टेड है, तो हेल्थ में तो इशू आपकी बराबर रहेगी। आप अगर एक्सरसाइज कर पाए इस एज में या मॉर्निंग वॉक कर पाए, अभी 51 इयर्स एज है, अगर हेल्थ के उस हिसाब से थोड़ा ख्याल रखे और एक्सरसाइज वगैरह करे, मेडिटेशन वगैरह करे, तो उसमें थोड़ी बहुत राहत आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत ही आप चुस्त दुस्त रहने लगेंगे ऐसा नहीं मालूम हो रही है, क्योंकि लाइफ लाइन डिफेक्टिव ही है, बचपन में भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो कोई आपको इम्प्रूवमेंट हमें लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ से दिख नहीं रही है। पॉजिटिव क्या है? यहाँ पे लंबी सी मार्स लाइन, ये हमेशा रहेगी आपकी पाम में, है और आगे भी था और
हमेशा ही रहेगा, तो ये आपको हर वक्त सपोर्ट देता रहेगा। जब भी आपकी तकलीफ बहुत बढ़ेगी, ये आपको सपोर्ट देके उसको कमा देगा, और इसी के वजह से आप बहुत दिनों तक अच्छी तरह से जी भी पाएंगे। तो अभी चलते हैं आपकी और सवाल पे कि आप एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे कि नहीं। हाँ, आप ज़रूर एस्ट्रोलॉजी बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें सक्सेस होने का चांसेस, ये दो कनेक्शन हमें यहाँ से मिली, एक मिस्टिक क्रॉस यहाँ पे बनता तो बढ़िया होता लेकिन वो नहीं बना, लेकिन ये दो कनेक्शन के साथ आपको ज़रूर आप एस्ट्रोलॉजी बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। अभी 50-51 से ही आपकी फेथ लाइन और सन लाइन दोनों ही एक्टिव है, तो पैसे के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं थोड़ी बहुत उसे सीख लीजिए, अगर सीखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर नहीं सीखा है तो थोड़ी बहुत सीख लीजिएगा, और बाकी काम आप इंट्यूशन से कीजिएगा, क्योंकि हर वक्त तो इंट्यूशन काम नहीं करेगा, कुछ कुछ टाइम में जो एक्सपीरियंस नॉलेज या एडुकेशन की ज़रूरत होती है वो आपको काम में लाना पड़ेगा। तो अगर सीखना है ज़रूर सीख लीजिएगा, आपका होने का चांसेस है। और क्या है कहा आपने, बिजनेस एज एस्ट्रोलॉजर केमिस्ट या अदर शॉप, केमिस्ट और अदर शॉप। देखिए, शॉप के बिजनेस में आप मत जाइए। अभी चलते हैं, मैं आपकी लाइफ की जो मिस्ट्री कह रहा हूँ, आप अभी तक ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाए, मैं ये एकदम लिख के दे सकता हूँ, आप कहिएगा। मैंने तो आपको ज़्यादा फिनंशियल कंडीशन पूछा भी नहीं, आपने भी बताया नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ आपके फिनंशियल कंडीशन कैसी है, लेकिन आप अभी भी 51 ईयर्स में एज में ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो लाइफ लाइन से उठने वाली ये फेथ लाइन, और दूसरी ये करीब करीब 50 ईयर्स तक मोटी और गहरी है। तो ये अगर गहरी और इतनी मोटी है तो ये कभी भी आपको सक्सेस नहीं दे पाएगी, और ये यही एक फेथ लाइन आपके पाम में है, और कोई फेथ लाइन सपोर्टिंग नहीं है जो आपको सपोर्ट दे सकता था ज़िंदगी में आगे चलने के लिए या सक्सेस पाने के लिए। आपके पाम में बहुत सारे इंडिकेशन अच्छी अच्छी है। देखिए, इतनी बड़ी ऊपर का माउंट का जगह, थम में ये दो साइन, कलर भी पिंकिश है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, ये इतने सारे लग्जरी लाइन तो राजा महाराज के होते हैं, इतने सारे लग्जरी लाइन, ऐसे लग्जरी लाइन है, तो ये देख के कोई भी कह सकता था आप बहुत ही अमीर इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, और बहुत ही लग्जरीनेस आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नहीं है। ये फेथ लाइन हमें क्लियरली शो कर रहे हैं कि अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिला लाइफ में, बहुत ज़्यादा कुछ आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में। हाँ, अभी करने का चांस आपके पास ज़रूर है, क्योंकि यहाँ से फेथ लाइन अच्छी हो रही है। अभी जो सारे पॉजिटिव साइन है आप उसको गिन लीजिए अपने पाम में, आपके ऊपर का माउंट का जगह बहुत ज़्यादा मिली है, आपके हार्ट लाइन से दो लाइन मिल जा रही है, एक सन में एक मरकरी में, जो ये दिखाता है कि रिस्पेक्ट और पैसे दोनों कमाना है, और ये दिखाते हैं कि अपने हितों की रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसमें आप नहीं देखेंगे, आप अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आप बहुत सारे अपने दिमाग को काम में भी ला सकते हैं, और वो काम भी करेगा, ये पॉजिटिव साइन है। थंब में होने वाली ये दो पैरेलल लाइन, ये भी बहुत ही पावरफुल साइन होती है फिनांस के मामले में, लंबी सी थंब विन और लॉजिक की जो बैलेंस बना रही है, ये सारे इंडिकेशन, और सारे माउंट में कोई भी माउंट हमें गड़बड़ी वाली या डाउन वाली नहीं दिख रही है, तो ये सारे कम्बिनेशन कह रहा था कि आप बहुत ही अमीर इंसान होंगे, लेकिन आपकी ये फेथ लाइन के कारण अभी तक आप कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, 51 ईयर्स जो अभी आपने पाम भेजा है, अभी शायद 1-1.5 साल हो गया होगा कि आपको थोड़ी बहुत फिनंशियल बेनिफिट किसी चीज़ से मिलना चालू हो गया है, क्योंकि आपकी अभी एज 51 है, और ये करीब करीब जो लाइन स्टार्ट हो रही है 50 के करीब ही, तो 1 साल तो होना चाहिए कि आपको कुछ सक्सेस वगैरह मिल रहा है थोड़ी थोड़ी, तो जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं, तो ये भी लिख दीजिएगा, तो उससे हमारा दर्शकगण को मैं बता पाऊँगा कि एज कैलकुलेशन परफेक्ट हुई थी कि नहीं। तो ये आपके कंडीशन है आपके पाम में, आपकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, आपको सक्सेस भी नहीं मिला था, एक तो आप ये लाइफ लाइन से आने वाली फेथ लाइन और ये मोटी थी, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर भी चले गए थे तो भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाता, क्योंकि ये मोटी है। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर है अभी, है, मैं पूछा नहीं, आप नहीं बताया अभी नहीं कि आप कहाँ है, अगर आप घर पे ही रिलेटिव के साथ रह रहे हैं और वहाँ पे आपको बहुत आराम मिलता है, मुझे लगता है ऐसी लाइफ है, क्योंकि ये लग्जरी लाइन ही इंडिकेशन करती है, तो अगर ऐसे कम्फर्ट जोन में जी रहे हैं आप, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे,
जितना सक्सेस मिलना चाहिए, 650 रुपये अगर मिलना चाहिए सक्सेस में आपको, उसमें से आपको 25 रुपये मिलेगा। आपको 25 रुपये में अगर आप सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने कंफर्ट जोन के साथ, तो ये आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अगर आप सच में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि कंफर्ट जोन क्या क्या हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई एक काम जिसको आप करना नहीं चाहते हैं और वही करने का मौका बार बार आपको मिलती है, मतलब किसी को बिजनेस करना नहीं, कोई बिजनेस करना नहीं चाहते हैं और देखते हैं कि वो जो भी जॉब करना चाहते हैं, जॉब करने जाते हैं, जॉब में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो जॉब ही करना चाहती है क्योंकि उनमें उसमें सिक्योरिटी दिखती है। लेकिन उसे कभी भी जॉब में इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उनके कंडीशन ऐसे होते हैं और बिजनेस का कनेक्शन रहते हैं, लेकिन वो बिज़नेस नहीं कर पाते हैं डर के मारे, वही उनके लिए कंफर्ट जोन होती है। किसी के बाहर बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है अपने जन्म स्थान से दूर, अपने रिलेटिव से दूर, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो अपने रिलेटिव या अपने जन्म स्थान को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा लगता है। किसी किसी लोगों का कुछ प्रॉब्लम भी रहती है, छोड़ के जाना प्रॉब्लमेटिक रहती है, तो उनके लिए वो कंफर्ट जोन रहती है। आप भी देखिए कि आपके पास अगर ऐसे कोई कंफर्ट जोन है या था, अगर था तो बढ़िया है जिसको आप कवर कर चुके हैं, अगर है तो उसको आपको कवर करना चाहिए, उससे आपको दूर जाना चाहिए, फिर जाके आपके पाम के जो बहुत सारे बढ़िया इंडिकेशन है वो आपको हेल्प करेगी और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल आपको बना पाएगी। कोई रेमेडी कुछ नहीं काम करेगा आपको फिनेंस के मामले में, आपकी फेथ लाइन अभी ठीक ठाक चल रही है। हाँ, आपकी लाइफ लाइन के प्रॉब्लम के कारण मैं एक रेमेडी ज़रूर दूंगा, एक तो मेडिटेशन कीजिएगा, एक और एक आपको मुद्रा दूंगा, उसे कीजिएगा, उसमें लाइफ लाइन की जो पावर है उसमें गेन होगी, और कुछ रेमेडी दूंगा उसे कीजिएगा। सभी को मेरी रेमेडी से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और उसका मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी इंडिकेट करता हूँ और आपको भी होगा। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस, अभी इनकी 51 ईयर्स एज है, यहाँ से ठीक ठाक चल रही है, आगे चल के ठीक होगा थोड़ी बहुत। अगर ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए हैं तो ज़्यादा मिलेगा, अगर कंफर्ट जोन के अंदर ही है तो कम मिलेगा सक्सेस, वही है इनके जो भविष्य में होने वाली है वो घटनाएं। अभी इनकी 51 इयर्स एज है तो थोड़ी बहुत इनकी हालत सुधर रही है एक डेढ़ साल से ज़रूर, क्योंकि 50 के करीब ही लाइफ लाइन और फेथ लाइन और सन लाइन इनकी ठीक हो रही है। हेल्थ के इशू में कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ कुछ रेमेडी वगैरह से कुछ थोड़ी बहुत इनकी हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी में ये करूँ ज़रूर काम कर सकते हैं, इनके लिए शॉप नहीं है, ये बैठे बैठे एक जगह पे काम करेंगे तो ये लग्जरी लाइन और ज़्यादा इनकी हार्म करेगी, ये लग्जरी लाइन इनके लिए बेनिफिटेड नहीं है, इनके लिए ख़राब ही है, तो ये लग्जरी लाइन इनको हेल्प के बजाय इनकी नुकसान करेगी। अगर ये किसी शॉप में बैठ के काम करे, इसके बजाय आप फील्ड में ज़्यादा काम कीजिएगा, क्योंकि आपके मार्स माउंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो जितना आप ट्रैवल करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, जगह जगह जाके घूम घूम के काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगी आपकी प्रोफेशन के लिए। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस, आज के लिए रखते हैं, शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए।